बहुत लेट कर दिया। और तुम लोग भी इसी के साथ पिकनिक में जा रहा जाओ यार, थोड़ा भी तुम लोग का ध्यान नहीं कि हम लोग कहीं जाना है। 12 बजे बताओ यार कब चलोगे। शांत सूरज शांत यार, मेरा भी कुछ सुनोगे क्या? तुम्हारा सुने, टाइम देखो टाइम। तुम लोगों पर इतना गुस्सा आता है मैं क्या बताऊं। रिलैक्स सूरज रिलैक्स, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम तो जानते हो मेरे पिताजी को, वो जान जाएंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर सूरज के साथ घूमने गया है तो वो घर में आग लगा देंगे। वो दरवाजे पर बैठे थे तो बताओ मैं कैसे निकलता। हाँ सूरज भाई, इसीलिए हम लोग को लेट हो गया। यार खाली बातें करोगे कि कुछ काम करना है तो करोगे? लेट नहीं हो रहा है, जो करना है जल्दी करो और चलो जल्दी। टेबल पर गिलास लगाओ, चलो यार जो लाया है तो निकालो और जल्दी करो। अरे यार हम तो माल लाने के लिए गए थे, क्या लिया? कोको कोला। अरे माल अब मिल रहा है, नहीं जान रहे हो कि रोक लगा हुआ है माल। इसे से कम चलाओ, गिलास पकड़ो। रामू काका इधर आइए। जी सूरज बाबू, एक जग पानी है वो खाली गिलास लेके आइए। ठीक है रामू काका, अब जाइए और घर का काम देखिए। ठीक है सूरज बाबू। सूरज थोड़ा सा और ले लो। अरे दीपक भाई रहने दो, बहुत लेट। अरे यार क्या ले थोड़ा, हेलो थोड़ा सा। बस भाई लो रहा था। अरे यार लो वो पहले से हो। बस यार हां चंदन तुम भी लो। अरे यार रहने दो, पी। अरे यार पेट लो थोड़ा सा, पियो तुम्हें पियो। चलो थोड़ा सा मैं भी ले लेता। पियो पियो पियो। रामू काका इधर आइए। हाँ सूरज बाबू कहिए क्या कहना है। ये सब ले जाइए। हाँ सुनिए, हम कहीं जा रहे हैं, घर के काम सब कर लीजिएगा, जिमनी आके बुला के रख लीजिएगा। ठीक है सूरज बाबू, ठीक से जाइएगा। चलो दीपक चलो, बहुत लेट हो रहा है, चलो सब ठीक है चलो। मैं तुमसे ही मिला यार। अरे यार मैं तो कहीं निकल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, जब तक तुम जाओ 1 घंटा के बाद आना। मैं तुमको बोला नहीं जा रहा था, तुम चल ही आया। अरे सूरज बाबू कहीं गए हैं,
घर में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, इसीलिए तुमको मैं बुलाने जा रहा था कि तुमको साथ दे देता, तुम कुछ काम भी करा देता। चलो झुगनी लाल, तब काम में हाथ बटाते हैं। दादाजी ये बात है ना, पूरा काम तो अकेले कर रहे थे, आप कहते हैं पूरा काम कर छमिया तो बहुत सुंदर है रे। हाँ यार सूरज, इसके आँख तो बड़ा कटीला है, तो तो सिमर के फूल जैसन बा। हाँ सूरज भाई, अरे इसका गाल तो एकदम रसगुल्ला है रे। काहे छमक छलो चंदन, तू तो ठीके कह रहा है, गाल तो सच में रसगुल्ला है रे। जरा काट के देखो मीठा है ना। तुम्हारी ये मजाल मुझे थप्पड़ मारेगी, जिसको चाहिए उसको छोड़ा नहीं, आज मैं को भी नहीं छोड़ूंगा, तुमको आज पार कर रहूंगा। चलो तुम लोग भी चलो, आज इस रसगुल्ला को खा ही दिया जाए। ठीक है तुम जाओ।
करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम शांति से जाइएगा सूरज बाबू, ठीक है? जाइए। तबियत ठीक है ना? हाँ ठीक है, तू बता। हाँ नाना जी, बैठल बैठल उठ गए तो सोचे नाना जी से मिल लेते हैं, इसीलिए चल आए। और कुछ बात नहीं है नाना जी? मम्मी पापा रामू ठीक है ना? पापा मम्मी को साथ ले लिया था, तो वो लोग से मुलाकात कर लिया। नाना जी, पापा जी तो ड्यूटी पे हैं, घर पर भी तो एक आदमी चाहिए ना, इसीलिए तो मम्मी नहीं आई। आप तो कभी घर पे आते ही नहीं, नंदू को नहीं देख रहे हैं। नंदू तो घर पर है, वो आता ही होगा। कब से सूरज इंतजार कर रहा है? नंदू यही दो तीन घंटा पहले आए। तुम कहाँ जा रहे हैं? बहुत देर नाश्ता पानी का उपाय करो। नाश्ता पानी का जरूरत नहीं है नंदू, अब हम चलते हैं। ठीक है नाना जी, अब हम चलते हैं। फिर मम्मी मिलने का आना ना, तो मम्मी के साथ में मिलेगा। सूरज बाबू को बहुत दिन हो गया नाना जी कन गए हुए।
अभी तक वो लौटे नहीं है भगवान, क्या हो गया? सूरज बाबू भी आजकल कौन दुनिया में कौन फेरा में लगे हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीना हो गया और हम कितना दिन घर को ही गौर कर रहेंगे, घर को देखभाल कौन करेगा? हम तो बूढ़ा हो चले और हमसे ही संभाला नहीं जाएगा। एक काम करते हैं, घर में ताला मार देते हैं, हम अपने घर को चलते हैं। चलते हैं अब अपना घर। अरे तुम क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गया, क्षमा कर दो। हेलो भैया, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और शंकर हमदर्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार भैया, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भैया। नमस्कार।